हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है द जनसूचक में। दोस्तों, ये फुल फॉर्म का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में कुछ बचे हुए इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। तो दोस्तों, अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और देखते रहिए द जनसूचक चैनल को। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा फुल फॉर्म वाला सेशन है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके वो वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला फुल फॉर्म जो है SMS। दोस्तों, जो SMS हम टाइप करते हैं या किसी फ्रेंड को भेजते हैं, जो SMS होता है उस SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। दूसरा फुल फॉर्म है दोस्तों WWW। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था WWW जिसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आगे जो एक W होता है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड। दोस्तों, 2018 के IB एग्जाम्स में ये पूछा गया था WWW का फुल फॉर्म। इसके बाद है दोस्तों ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसके बाद है दोस्तों IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दोस्तों, IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 के लगभग हुई थी। इसके बाद है दोस्तों ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद है दोस्तों OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों, R से रिकॉग्नाइजेशन भी होता है तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके बाद है BIOS अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके बाद है दोस्तों PC, PC अर्थात पर्सनल कंप्यूटर। दोस्तों, ये जो BIOS है, MICR है, OMR है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है तथा आगे भी आने की संभावना है। तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा SQL। SQL क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसके बाद है दोस्तों XML। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद है दोस्तों ZIP, जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। इसके बाद है दोस्तों OS अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है दोस्तों FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। इसके बाद है दोस्तों BD अर्थात ब्लू रे डिस्क। इसके बाद है दोस्तों IC, IC अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों, इस IC का उपयोग हमने बताया था जब हमारा पहला वीडियो आया था कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसके जनरेशन के बारे में। तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी वहाँ पे IC का उपयोग किया जाता था, जिसका उपयोग जैक किल्बी ने किया था। तो ये रही IC। इसके बाद दोस्तों WMP अर्थात विंडो मीडिया प्लेयर। इसके बाद है दोस्तों जो इमेज में यूज होता है दोस्तों, जो MPEG में हम लोग सेव करते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फेस। इसके बाद है दोस्तों APM अर्थात एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। इसके बाद है दोस्तों IT, IT अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद है दोस्तों DNS अर्थात डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों, डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट के जो अंत में लगा होता है वो हमारा डोमेन नेम होता है, जो डॉट के बाद लगा होता है, जैसे .NIC, .IN, .ORG। दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे डोमेन नेम होते हैं। इसके बाद है दोस्तों ASP अर्थात एक्टिव सर्वर पेजेस। इसके बाद CSS अर्थात कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। इसके बाद है दोस्तों SEO अर्थात सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, एक CEO जो हमारे कंपनीज के CEO होते हैं दोस्तों, उसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद है दोस्तों MMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। दोस्तों, SMS अलग होता है और मैसेज MMS अलग होता है। दोस्तों, SMS में केवल हम टेक्स्ट को भेज सकते हैं, लेकिन MMS में हम मल्टीमीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर आता है दोस्तों NAT,
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। इसके बाद है दोस्तों IDM अर्थात इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। इसके बाद है दोस्तों याहू। याहू दोस्तों एक सर्च इंजन है, याहू हो गया, गूगल हो गया, ये हमारे सर्च इंजन होते हैं दोस्तों, इनके माध्यम से कोई चीज़ हम सर्च करते हैं। तो याहू का फुल फॉर्म होता है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिसर्स ओरेकल। इसके बाद है दोस्तों गूगल। गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। इसके बाद है दोस्तों इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल नेटवर्क। इसके बाद है दोस्तों DTP अर्थात डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दोस्तों ये DTP का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ चुका है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद है दोस्तों DOS अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों अगले फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है DTS अर्थात डेस्कटॉप सिस्टम। इसके बाद है दोस्तों CAD। दोस्तों CAD एक कंपनी है इंडिया की जो कंप्यूटर बनाने का काम करती है, तो उसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके बाद है दोस्तों ASCII अर्थात अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद है दोस्तों बेसिक अर्थात बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके बाद है दोस्तों BCD अर्थात बाइनरी कोडेड डेसिमल। दोस्तों जो बेसिक हो गई, कोबोल हो गई, फोटोन हो गई, C++ हो गई, सी हो गई, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद है दोस्तों फोटोन, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दोस्तों इस फोटोन का उपयोग हम बड़े जो बिजनेस होते हैं दोस्तों, जो बिजनेस के क्षेत्र में जो सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं, उनमें इस प्रकार के लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों फैक्स FAX अर्थात फेयर अवे जीरोक्स। इसके बाद है दोस्तों मॉडेम अर्थात मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसके बाद है दोस्तों NICNET अर्थात नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। इसके बाद है दोस्तों VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों ये भी हमने बताया था कि जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है उसमें VLSI का उपयोग हुआ था, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था, चौथी पीढ़ी में VLSI का उपयोग किया गया था। इसके बाद है दोस्तों पैन अर्थात पर्सनल एरिया नेटवर्क। दोस्तों नेटवर्क वाला हमने लेक्चर दूसरे अपने वीडियो में दिया था, तो उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी नेटवर्क के बारे में, तो दोस्तों आप वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो पैन की जो रेंज होती है दोस्तों, इसको जो मतलब ये जहाँ तक हमारे डाटा को कवर करता है, वो केवल केवल 10 मीटर तक की इसकी रेंज होती है। तो पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है दोस्तों WLAN अर्थात वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं दोस्तों AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। दोस्तों अब के जो कंप्यूटर आ रहे हैं या जो घड़ी के आकार के कंप्यूटर हैं, जितने भी माइक्रो से माइक्रो कंप्यूटर आ रहे हैं, वो सारे के सारे AI के अंतर्गत ही रखे गए हैं। इसके बाद है दोस्तों ANSI अर्थात अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद है दोस्तों BSNL अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके बाद है दोस्तों DPI अर्थात डॉट्स पर इंच। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों GPS, जो हमारे मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफोन में उपयोग होते हैं दोस्तों GPS, उसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फिर बात करते हैं दोस्तों HP। दोस्तों HP जो कंपनी होती है जो हमारे लैपटॉप का निर्माण करती है, उसका फुल फॉर्म होता है हेवलेट पैकर्ड। इसके बाद दोस्तों देखते हैं JSP, इसका फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेस। दोस्तों JSP इसका फुल फॉर्म जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है MPPSC में, वहाँ पे पहला पेपर जो था दोस्तों, वहाँ पे JSP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये हमारे MPPSC के लिए, व्यापम के लिए या किसी भी वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो आप इनको एक से दो बार अगर देख लेंगे तो आपको आसानी पूर्वक ये हो जाएंगे।
तो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।